हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग बोल दो। देखे ऐसे हाय हाय गाइस। तो आज सुबह सुबह बाबू जी आ रहा है अपना बाल कटाने। गाइस ये देखो पूरा बढ़ गया है बाबू का बाल। तो पापा के साथ बाल कटाने जा रहा है ना बेटा? कटाएगा? नहीं। क्यों नहीं? नहीं बेटा, ये बाल कटा के आना ऐसे 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 अच्छा अच्छा सा, फिर बाबू सुंदर दिखेगा ना। नहीं ना, नहीं ना। और देख पापा आ गए। ठीक है बेबी, जाओ बाय। आना बेटा, बाल कटा के आना। और क्या लेके आएगा बाबू? चिप्स और चॉकलेट। ओके बाय। बाय। तो गाइस इधर मैं सुबह सुबह अपने लिए नींबू पानी गरम कर रही हूँ, उबाल रही हूँ मतलब। आजकल मैं कुछ दिनों से ये पी रही हूँ। इसमें डला हुआ है नींबू, अदरक और लहसुन। तो अभी रिजल्ट क्या होता है इसको पीने से वो मैं अभी क्या ही बोलूँ। पहले मैं ट्राई करती हूँ फिर मैं बताऊँगी। तो ये रहा एक गिलास पानी। तो थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दूँगी, उसके बाद पीऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है। और गाइस इधर देखो, नीति अभी बिस्तर से उठी नहीं है। आज नीति लेट तक सो रही है। आज क्या हो गया आपको बेटा? पेट दर्द दे रहा है। पेट दर्द दे रहा है गाइस। तो ये आज स्कूल नहीं जा रही है तो फिर इसीलिए अभी तक उठी नहीं है। नीति का घड़ी देखिए, नीति का दिया हुआ घड़ी, इधर बज गया है 8 और ये इधर बिस्तर में अभी भी पड़ी हुई है तो आराम कर रही है। बाबू बाल कटा के आ गया है। कुछ ज्यादा ही नहीं कटा दिए हो ना यार? तो ठीक है। हैं रोया की? रोया, खूब रोया। खूब रोया बता रहे, खूब रोया बेटा। क्यों रोया राजू? कैसे रो रहा था? अच्छा दिख रहा है ना राजू बाबू? ये देखो टकला हो गया। क्या लेके आए, गाड़ी लेके आए? अब बेटा टकला होके आए बेटा, अभी नहाएगा ना। मेरे को तो अच्छा नहीं दिखता बाबू छोटा बाल में। अच्छा राशि आ गई, इसकी फ्रेंड आ गई है। तो गाइस मेरे पापा जा रहे हैं बाबू मैं यहाँ। गाइस मेरे पापा जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के, और मेरे को उनका बहुत याद आएगा गाइस। तो गाइस पापा रहते तो मेरे को बहुत दुआ खिलाते, मम्मी तो नहीं खिलाती कुछ भी नहीं। तो पापा मेरे लिए पैसा छोड़ के चले जाना, मैं खुद चले जाऊँ। छोड़ दिया हूँ। मम्मी तो मेरे को दुकान जाने ही नहीं देती। पापा का बैग पैकिंग हो रहा है ना, बाबू मदद नहीं करेगा? देखो दीदी बड़ी हो गई है, पूरा फोल्ड कर दे रही है पापा का मदद। ये फोन के पीछे पड़ा है, फोन वाला बाबू। तो गाइस इधर पैकिंग चल रहा है, मैंने तो ज़्यादा मदद नहीं करा, नीति आज फुल मदद करी। स्कूल भी वैसे भी नहीं गई हुई थी, पेट दर्द दे रहा था करके। तो फिर ये लेके जा रहे हैं मिर्ची। अरे करेला मेरे यहाँ बच्चा, उसको डाल दो इसमें। मैं फिर करेला अकेले के लिए नहीं बनाऊंगी ना। तो ये करेला लेके जा रहे हैं, इनका फेवरेट करेले की सब्जी। और इधर मिर्ची और प्याज, लहसुन क्यों नहीं लाए? और लहसुन, लहसुन का तो महंगाई क्या ही बताऊं मैं, बहुत महंगा चल रहा है गाइस।
और ये कल मुंह फुला के बैठे थे। मैं बोली थी ना शाम तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अरे क्योंकि मेरी उतनी बड़ी गलती भी तो नहीं थी। कैसे चमक रहा है, धूप आ रहा है ना, इसलिए मेरी उतनी बड़ी गलती भी तो नहीं थी ना। तो फिर कितना देर तक गुस्सा होते हैं, कि गुस्सा है नहीं है ना, नहीं है ना। कहाँ जाऊंगा, आखिर तो आऊंगा यहीं पे घर में, ऐसा बात है। गुस्सा के कहाँ जाऊंगा बोल करके गुस्सा थूक दिए, और सही भी बात है। तो गाइस मेरे यहाँ भी ना करेला आज मैं बनाई थी, और बच्चा हुआ उसको भी दे देते हैं। कौन है बेटा? डर रहा है। कौन है ना बेटा, कौन है? जा उधर भाग। डर के मारे मेरे पीछे आ गए इधर बाबू। छाऊ कौन निकला? बाबू निकला। इतना गर्मी में स्वेटर? ये स्वेटर है, स्वेटर नहीं है ये, वो क्या है, फैशन है। फैशन भी नहीं, मेरे रास्ते में जाके देखें कोई धूल से बचने के लिए। धूल से बचने के लिए पहन लो। ओके, कोई शौक नहीं है मेरे, कोई सकता नहीं है। हाँ, आपका एक इम्पोर्टेड चीज फेयर लवली नहीं लेके जाओगे बोल रही हूँ? है, मैं नहीं लगाती हूँ, मैं तो सिर्फ पाउडर लगाती हूँ। ले जाओ उसको। तो गाइस पूरा रेडी हो गया है नीति के पापा जाने के लिए, अपना ड्यूटी स्थान। अभी बहुत दिन से यहाँ पे थे, पूरा दिसंबर शाये हुए थे। हम लोग गांव भी गए थे तब भी वो यहीं का काम कर रहे थे। उसके बाद में फिर वहाँ के कामों के लिए बुलावा आ गया, तो फिर ये जा रहे हैं लगभग हमसे, हम जा रहते हैं नारायणपुर, उससे ये आगे 50 किलोमीटर लगभग, मुझे एकदम भी पता नहीं है। तो उतना दूरी में रहते हैं तो एकदम से आना जाना नहीं होता है। अब कुछ दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद आएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं, नीति और बाबू बस रहेंगे, क्योंकि इस बार दीपू भी नहीं आया हुआ है। तो फिर रुक गया गांव में, उसको कुछ काम था, तो फिर अभी आ ही नहीं रहा है। कुछ दिन मैं आता हूँ करके। तो बस अभी हम ही लोगों को रहना है, और नीति का एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो बस एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होगा इसके पापा के बिना, लेकिन करना तो पड़ेगा एडजस्ट। तो पहुंच के कॉल करना, ठीक है? पहुंच गया हूँ घर के ना। हुँ। ठीक है ना, कब नहीं करता हूँ मैं। हाँ तो मेरा फर्ज बनता है पहुँच के कॉल करना, पहुँच गया हूँ करके। सब कुछ पकड़े ना, बाबू भी जाएगा पापा के साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बाबू भी जाऊंगा पूरा। बच्चा चले गया, भाई बोल रहे हैं मेरे को। हाँ तो नहीं जाने का क्या, अभी इतना बड़ा हो गया घर का गाड़ी। अच्छा थोड़ा सा पापा को बाय बोल दीजिए, जा रहे हैं बाय। नहीं ना, मैं आपको दूसरे गाड़ी में घूमू ले जाऊंगी, जाओ ये परेशान करते हैं। तो बाय पापा कहते, इसको पता चल जाता है कि कहीं दूर जा रहे हैं। किधर बैठेगा बेटा, किधर बैठेगा? कहाँ से बैठेगा? पापा जा रहे हैं ना, अच्छे से जाना पापा। आओगे तो खाऊंगा ना पापा। पास अभी जा।
गाइस अभी बाबू छोटा है तो फिर ये समझता नहीं है, रोने लग जाता है। अब नीति बड़ी हो गई है, वो नहीं रोती है, मैं इसको संभालती हूँ।